Sir, everything is under control. We may proceed to our destination now. हाँ चलो चलते हैं लॉस सैंटोस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 रियल लाइफ मोड्स वीडियो। यार कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और यार आज माइकल जो है ना वो अपने अबू को लेने जा रहा है और जिमी भी जा रहा है। खैर जिमी तो अभी पता नहीं किधर है। और जिमी आ जा, तो माइकल जो है ना वो जा रहा है अपने अबू को लेने। उनका जो अबू था ना माइकल का, वो था नॉर्थ यैंकटन के पास छोटा सा गाँव है, उधर उसका बिजनेस सारा फैक्ट्री है वहाँ पर उसकी, तो वहाँ पर उसका काम था। तो अभी मैं अपनी VXR में जाऊँगा। तो ये जिमी पता नहीं किधर रह गया, इसको मैं बुलाता हूँ। जिमी आ जा यार, जल्दी से चलो, पापा बुला रहे हैं। ओहो कुट पड़ जानी पापा से। तो गाइस जिमी जो फाइनली बैठ गया हमारे साथ। और जिमी चल आजा चलते हैं। तो यार उनकी फ़्लाइट जो है ना वो फ़्लाइट, तो मुझे वहाँ से ख़बर मिली है, वो असल में ना उनकी कोरोना की वजह से फ़्लाइट हो गई थी लेट थोड़ी। तो कोरोना की वजह से फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो उसकी वजह से ना वो आ नहीं सके। हालांकि उनका प्लान आना था पहले का। हमारा प्लान यही था कि हम लोग जो सुजुकी वैगन आर है वो इकट्ठे लॉन्च करवाएंगे, लेकिन फॉर सम रीजंस कोरोना की वजह से ना उनकी फ़्लाइट हो गई लेट। और वो अभी अपना प्राइवेट जेट करवा के आया गोल्डन कलर का। तो मुझे भी मेरे जो एक वहाँ पर कज़न है उसका फ़ोन आया था कि उनकी फ़्लाइट है ना फाइनली लैंड हो चुकी है, तो आप लेने चले जाओ। मतलब कि टेक ऑफ हो चुकी है, बट लैंड भी थोड़ी देर में ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट का रास्ता लगा लेता हूँ और अभी निकलते हैं। डोमेस्टिक ही अराइवल है, इंटरनेशनल अराइवल नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं और उनको लेके आते हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी कमाल के बंदे हैं वो भी, और आपको बड़ा हंसाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है मुझे। आज पता नहीं ट्रैफिक बहुत कम है सड़कों पे, पता नहीं क्या चक्कर है। असल में यहाँ पे ना फिर कोरोना थोड़ा बढ़ गया है। लॉस सैंटोस में कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा ना। लॉस सैंटोस में कोरोना आता है जाता है, आता है जाता है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। हालांकि हम तो घर से इतना बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या हो गया। स्टीयरिंग में मैंने फिर कनेक्ट किया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे ना जो हमें थोड़ा सिटी में जाएंगे तो शायद हमें वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक मिल जाए, वरना यार हाईवे तो बिल्कुल ही वो, ये गाड़ी आई है बिल्कुल ही खाली पड़ी थी हाईवे। चलो निकल जाते हैं, कोई बंदा तो है कोई नहीं इधर। इंडिकेटर देना राइट का, सॉरी लेफ़्ट का इंडिकेटर देना। आराम आराम से जाना। अब्बू आ रहे हैं, अब्बू मेरे ना अब्बू बहुत डांटते होते हैं अगर मैं गाड़ी सही तरीके से ना चलाऊँ। अभी उनको ये नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप लोगों को याद ही होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है आप लोगों को याद होगा, जब मैं रेंज रोवर से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो भी उनको इस बात का भी नहीं पता। तो जल्दी से निकलते हैं, उनको लेके आते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आई थिंक 4 लोग हैं, 4 या 5 लोग हैं, उनकी जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आई थिंक पूरे बंदे ही हैं। तो उनकी जो अनाउंसमेंट है वो इंस्टाग्राम पर कर दूँगा मैं, तो इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अबे भाई पुलिस कहाँ से आ गई? ये देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी भी फिर भी ट्रैफिक है, लेकिन जो वो हमारा बिल्कुल मेन जो हाईवे के ऊपर है ना वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि आपको पता है हाईवे के ऊपर एक तो गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज़ चलाते हैं, ऊपर से ना ये कोरोना का चक्कर हुआ हुआ, इसलिए उन्होंने हाईवे भी सील की हुई है। आई थिंक रेस्ट स्टॉप पे ना, जो हाईवे का रेस्ट स्टॉप होता ना वहाँ पर 1 या 2 केसेस आए थे कोरोना के, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ हाईवे भी। खैर जिनका घर वहाँ पे उनको तो परमिशन पूरी पूरी है। ओए रुक जाओ यार यहाँ पे यार। वैसे VXR में भी बड़ी बात है। आप लोगों को याद होगा कि गाड़ी मैंने ली थी जिसका पेंट उतरा हुआ था और गंदी सी गाड़ी ली थी। ये तस्वीर थी इसकी और देखिए आप क्या गाड़ी कमाल है। अभी तक इसने कोई मसला नहीं किया, इंजन का कोई मसला नहीं। कामरान भाई से ठीक करवाए थे, उनके बंदे घर आके ठीक करके गए थे कामरान भाई के। अभी तक कोई मसला नहीं आया गाड़ी में। कामरान भाई जो है ना, कामरान भाई काम बड़ा कमाला करके देते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेवर ने भी लॉस सैंटोस में अपनी वर्कशॉप खोल ली है, उसका नाम है ट्रेवर डिंडर एंड पेंटर। तो वो भी देख विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे भी एक गाड़ी, एक या दो गाड़ियाँ भिजवा के टेस्ट करेंगे ट्रेवर को। और वैसे भी ट्रेवर अपना दोस्त ही है, बेशक थोड़े उल्टे काम करता है लेकिन दोस्त ही अपना। तो वो देखें अब उम्मीद करता हूँ कि वो जो बंदा है ना, वो भाई ट्रक वाला मारने लगा था अभी, तो वो बंदा हो सकता है कि हमें थोड़ी सी डिस्काउंट ऑफर करे अगर हम उसे गाड़ियाँ देंगे। वैसे भी यार फ्रैंकलिन में आपको पता ही होगा, फ्रैंकलिन साहब जो है ना, उन्होंने मेरे से बहुत कर्जा ले लिया है। अभी कल मेरे से ऊबर चलाने के लिए मेरे से गाड़ी लेके गया था वैगनार। ओहो नीचे जाना है, सॉरी। तो डोमेस्टिक अराइवल्स जो होते हैं ना, वो सारे होते हैं नीचे, और जितने भी होते हैं ना इंटरनेशनल अराइवल्स वो सारे होते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। और ये ग्राउंड फ्लोर है एयरपोर्ट का। ओ भाई ये टैक्सी वाला की वजह से ना गाड़ी लग गई अभी थोड़ी सी। टैक्सी वाले यार, ये टैक्सी वाले जो है ना, ये बिल्कुल गाड़ी देख के नहीं चलाते और बगैर देखे सोचे समझे आके मार देते हैं गाड़ी बीच में। यहाँ पे एक पार्किंग है, और ये पार्किंग है, ये पार्किंग है। रुक जाओ मैं इधर गाड़ी खड़ी करता हूँ और जिमी और मैं चलते हैं। रुक जाओ जिमी, तमीज़ से जाके ना दादा का सामान पकड़ लें, तुझे कुट पड़ जानी है मेरे से। नहीं तो अभी भी जब वो पिछले बार तुम वो आया था, तुमने बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ। जी जी अब वो ठीक है। हाँ अब बदतमीजी ना करना, वो तुम्हारा पता लेने ही आ रहे हैं, नहीं तो उन्होंने अभी आना नहीं था लॉस सैंटोस। कितना दलील करोगे मुझे अब? आ जिमी चलते हैं, आओ आओ जिमी आ जाओ। आ रहा हूँ, क्या हो गया? तो यार फाइनली लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है ना, जो ऊपर जाती है सीढ़ियाँ जैसे जाती हैं, वो जो है ना वहाँ पे आती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं सारी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो सारी नीचे आती हैं यहाँ पे। ये देखें लीसा, वो इधर ही रुक जाते हैं। रुक जाओ, इधर ही रुक जाते हैं। वो इधर आया जिमी, तमीज़ से खड़ा हो जा। अल्लाह का बहुत करम है कि हम लोग लॉस सैंटोस पहुंच गए हैं। चलो अब जाके अपने बेटे से मिलता हूँ और उसकी बीवी बच्चों का पता लेता हूँ। अरे यार वैसे लॉस सैंटोस में जो वेदर है वो तो बड़ा कमाल का है यार, गर्मी तो लग नहीं रही। ओ वो खड़ा है माइकल, मोटे कद्दू। जिमी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बब्बू, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बेटा, तुम सुनाओ? आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास A1 जेट में आया हूँ। तो वो गाड़ी लेके आया हूँ, गाड़ी उधर है, मेरे साथ साथ आ जाए। अच्छा गाड़ी लेके आए हो, वाह वाह। सामान को नहीं लेके आए आप? नहीं नहीं बेटा, यहीं से ले लेंगे सामान, वो वाला पुराना सामान था। तो हाँ वो कोई तो मसला नहीं, वो तो मैं भी ले दूंगा आपको। और जिमी क्या हाल है तेरा? मोटे कद्दू खा खा के मोटा हो गया। चलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अमेंडा और ट्रेसी जो है, वो तो ट्रेसी गई है अपने कॉलेज, और अमेंडा आपको पता है स्कूल में टीचर है, तो पता ही है आपको। हाँ हाँ बस घर तक घर शाम तक आ जाएंगे वो लोग। अभी हम लोग घर के लिए निकलते हैं। ठीक है आ जाए अबू आ जाए। जिमी सलाम करो अबू को। वालेकुम सलाम दादा अबू। जिमी आ जाओ। कद्दू एक्सीडेंट हो गया तेरा गाड़ी से। नहीं नहीं अबू बस को समझाया अब गाड़ी हल्की चलाया करे। ये गाड़ी पहले बहुत तेज चलाया करता था आपको पता ही है इसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ तो तुमने मुझे फ़ोन पे बताया था इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे बेवकूफ़। ये देखें अबू ये गाड़ी लेके आया हूँ मैं। हमारी गाड़ी अपनी है। अभी मैंने अपने हमारे घर आपको पता है ये पिछली दफ़ा सिर्फ एक गाड़ी होती थी हमारे घर में लेकिन अब तो मैंने काफ़ी गाड़ियाँ खरीद ली हुई हैं। आपको भी गाड़ी लेके देंगे इंशाल्लाह। आ जाए आगे बैठ जाए। जिमी पीछे बैठो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह लैंड क्रूजर लेके आया वाह। और अबू सुनाए क्या हाल है आपका। बेवकूफ़ गाड़ी से इतना चला। नहीं नहीं अबू मैं तो बड़े ध्यान से गाड़ी चलाता होता हूँ। अब तो आपको पता ही है कि जब से आप लॉस सैंटोस छोड़ के गए थे ना तब से मुझे आपकी बड़ी कमी महसूस होती थी। लेकिन आपको मैंने इतना कहा कि नॉर्थ यैंगटन को छोड़ दें आ जाएँ वापस लॉस सैंटोस। यहाँ पे इतना बड़ा हमारा मेंशन है आपने तो देखा नहीं है। मैं आप लोग को भी चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। इतना कमाल का घर है हमारा। अच्छा कमाल का घर है। हाँ हाँ अबू वाकई बहुत कमाल का घर है। मैं अभी मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। अच्छा तू गड्डी ध्यान चला पहला करला बात करी मेरे नाल। जी जी ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे पुत्र को इतनी बड़ी गाड़ी दी थी और स्वाद ही आ गया आज ते। नहीं नहीं अबू ये तो कुछ भी नहीं। इसके इससे महंगी गाड़ी भी खड़ी घर पे। अबू घर में तो अभी और भी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो गाड़ी चेक करवाऊँगा। अभी मैं बल्कि गराज में हमारे घर पे खड़ी हुई है। हमारा घर जो बहुत बड़ा घर है उधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आपको पता है कि जब से मेरा वो बिज़नेस वो ख़त्म हो गया था वो वाला जो इससे पहले बिज़नेस था मेरा। ओ अच्छा अच्छा जो मैंने शॉप्स बनाई थी यहाँ पे। वाकई बेकरी बनाई थी पता ही है आपको। वो जब से मेरा लॉस में गया था ना तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर आपको पता ही था मैंने सिमियन करके एक बंदा था उससे मैंने डीलरशिप खरीदी थी प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स। अच्छा हाँ तो वहाँ पे जिमी भी मेरे साथ था। अच्छा कद्दू भी काम करता है वहाँ पे। वाह भाई कद्दू वाह। तो मतलब काफ़ी हम लोगों ने ना अब उसको खड़ा कर दिया स्टैंड कर दिया अपने बिजनेस को। और वहाँ पे अब हमारी एक गाड़ी भी हम लोगों ने लॉन्च करवाई। आपको बताया था मैंने सुजुकी वैगन आर। हाँ बताया था। स्पेशल में ऑफर आई थी उस गाड़ी की। अच्छा ये गाड़ी तुमने 0 मीटर ली थी। नहीं नहीं अबू ये गाड़ी जो है ना ये गाड़ी सेकंड हैंड ली थी। इसको लेके ठीक करवाया था। अच्छा 2018 का मॉडल है ये वाला VXR। छेती काट गड्डी मैनू नींद आंदी भैया तू गल्ला करी जांदा मेरे नाल बैठ के। बस अबू लॉस सैंटोस की ट्रैफिक का पता ही है आपको ख़राब से ख़राब होती जा रही है। बस ठीक तो हो नहीं रही। ये सिर्फ बातें ही हैं ठीक होने वाली। जी जी अबू प्राइम मिनिस्टर भी मेरे दोस्त हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलने गया था मैं। पढ़ी थी आपने न्यूज़ वो बोली नहीं पढ़ी अभी तक। जिवें मैं जियो न्यूज़ दे विच रिपोर्टर लगा। एक गाड़ी क्यों बंद हो गई है। पता नहीं अबू ये गाड़ी का मसला कर रही है कोई। ये ना बाज वह बंद हो जाती है काफ़ी मतलब कि काफ़ी गाड़ी ना अब हमारे पास। तो मैं इसको कमी निकाल दो सिर्फ आपके आने के लिए निकाली स्पेशल मैंने आज। जाली किटी लेके घूमना पे है। जी जी अबू मुझे पता है वो बस इसकी सर्विसिंग होने वाली है आई थिंक। कोई नहीं अब हमारी डीलरशिप पे ना एक मैकेनिक है उसको दे दूंगा मैं गाड़ी सर्विस कर देगा। ओए मैकेनिक भी रखे हैं। ओह जी जी अबू मैकेनिक भी हमारी डीलरशिप पे। वाह वाह नोट था अपने फिर भी रखा हुआ हमने। अच्छा मैंने दस जी वैगनर तुझे लॉन्च की है किहो जी वेखदी पई है गाड़ी। अबू बस ये क्योंकि आजकल वैगनर मैंने लॉन्च करवाई आपको बताया था। हाँ चक्के दस होते मैंने पता है। वैगनर लॉन्च करवाने के बाद काफ़ी सेल्स जो गाड़ी की है ना वो काफ़ी सेल्स हमारी अप हुई हैं इस महीने। तो काफ़ी मतलब कि आमदनी हुई है हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। सब दुआ करें कि इस तरह ही आमदनी रहे कोई फॉल्ट ना निकल आए। अच्छा और सुना कद्दू का की हाल है। दादा जी कद्दू क्यों कह रहे हैं जिमी नाम है मेरा। पुत्र तुम मेरे पास कद्दू ही रहेगा। हाँ अबू इसका एक्सीडेंट हो गया था असल में ना। ये वो गाड़ी जो है ये अपना ट्रिप पे गए थे और अपनी गाड़ी इधर छोड़ के गया था और अपने दोस्त की गाड़ी ले गया था। ये तो दोस्त की गाड़ी इसने मार दी और वो लेके देनी पड़ी हमें फिर। नहीं इसको एडी पूरी गड्डी मारी थी मतलब कि मारी नहीं थी पहाड़ से गिरा दी थी नीचे इसने ना गाड़ी। उतारो तो कितने लेके जा रहे हैं मैंने मैं घर जाना है। वो दूर नहीं बस करीब आ गई। ये बस साथ ही है असल में हमारा घर मेंशन है तो वो हाईवे के अंदर है बीच के ऊपर है पीछे बीच भी लगता साथ। पुत्र कितना महंगा कार ले लिया तू। नहीं नहीं अबू इतना महंगा भी नहीं, बस थोड़ा सा ही मतलब आपको पता ही घर के लिए तो फिर इतना खर्चना पड़ता ही है, फिर आपको पता ही है। पुत्र किन्ने क्या नहीं तेज गड्डी चलाओ, हाईवे के ऊपर तो हमारी तकरीबन 120 से 130 स्पीड होती है तो वो कोई मसला नहीं है। वैसे भी सारे लोग जानते ही हैं हमें। अच्छा मेरी गुड़िया रंडा की हाल है? जी अबू ट्रेसी भी बिल्कुल ठीक है। सारे घर वाले आपको बड़ा याद करते हैं। ये बस अबू थोड़ा सा ना मसला होता है ट्रैफिक में बाज़ दफ़ा। तो अबू ये अपना घर है। पुत्र है तो लगता मैं किसी महल च आ गए हैं। ओए ऑटोमेटिक डोर भी है? जी अबू ऑटोमेटिक दरवाज़ा है। हाँ अबू इस तरह के घरों में ऑटोमेटिक दरवाजे ही होते हैं। हम माशाल्लाह माशाल्लाह पुत्र अल्लाह तनु सलामत रखे आमीन। अबू अभी ये तो पीछे, ये तो आगे से देखा ना, पीछे से और भी ज़्यादा बड़ा है। ओए मैनू तो हुण नींद आती पई है यार, मैं तो जाके आराम करांगा। जी तो अबू ये हमारा घर है, ये गाड़ी मेरी है, ये वाली करोला 2020, ये आपको बताया था मैंने नई करोला ली है। वो ये जितना भी वो घर है सारा अपना घर है ये, और ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। जी जी अबू कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो गाइस मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी हम मेरे अबू आ गए हैं, तो अभी ये थके हुए हैं थोड़ा, तो इनको रेस्ट करवाते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अबू भी इंशाल्लाह हमारे साथ बिजनेस करेंगे लॉस सैंटोस में। ओ पुत्र मैं नहीं करना। नहीं करेंगे अबू करेंगे आप। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ पाकिस्तान द गेमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।